स्ट्रगल करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक जो सेशन रहा है बहुत ही अमेजिंग, और उन्होंने यहाँ पर हमको बताया है कि स्टार्टिंग कैसे हुई उनकी, किस तरह से हमें क्या क्या कंडीशन के साथ रही हैं। तो सभी कंडीशन को पार करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है और अपने काम पर ध्यान देना है, अपने काम को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जोश और जुनून सर के अंदर उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनके स्ट्रगल से आया है। सर ने हमें यहाँ पर सिखाया है, कंडीशन चाहे कोई भी हो, हमें अपना बिजनेस, अपने काम को नहीं छोड़ना है। तो बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त सेशन रहा, और उन्होंने ये भी इसमें दर्शाया है कि किस तरह से हम अपने गुरु और अपने मेंटर को ध्यान में रख के सबसे पहले हमें अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है। तो गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है, गुरु का होना भी बहुत जरूरी है, उनका आशीर्वाद सबसे पहले लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने यहाँ दिखाया है कि अपने गुरु में समर्पित होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सभी लोग अपने अपने गुरुओं को आशीर्वाद जरूर लें, अपने गुरु को याद करें और उसी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएं, तो सब अच्छा होगा। हम सभी की शेयरिंग लेते हैं आगे। हमारे यहाँ ये हैंड रेज है, डॉक्टर चंदन सर, प्लीज आप अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी ग्रेट शेयरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम सर, चंदन सर वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम, थैंक गुड यू सर, मॉर्निंग, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने सभी मेंटर्स, अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहूँगा हाथ जोड़कर। और हमारे जो मेंटर हैं, सीनियर मेंटर सफ़ी मोहम्मद सर, उनके लिए मेरे दिल से उनको प्रणाम है, क्योंकि मुझे भी वो दिन बहुत याद आते हैं जिस समय के मैं सर को देख रहा था टेस्टिंग करते हुए, और जिससे मैं मुझे भी प्रेरणा मिली और मैं भी इस महान कार्य के लिए आ पाया। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसे लिंक होते ही हैं। और सभी गुरुओं को और सभी सीनियर मेंटर एंड लीडर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मैम, आपकी जो शेयरिंग है वास्तव में बहुत अच्छी लग रही है, और आज तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ आप होस्टिंग कर रही हैं, और रियली बहुत अच्छी होस्टिंग दे रही हैं, और बहुत अच्छी सीनियर कामयाब हो गई हैं हम तो आप बहुत अच्छा करती हैं मैम, बहुत सुंदर। और के ज्ञान आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे, बस हम यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। और बात करें अपने गुरुजी की, आसिफ सर की, तो रियली ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे शख्स हैं कि ये कोई वैसे नहीं है कि मैं इनकी चापलूसी में या इनको खुश करने के लिए कोई ऐसे शब्द मैं अपने दे रहा हूँ, और ऐसा मेरे जीवन में कभी गवारा भी नहीं होता और ना ही मैं करता कभी भी किन्हीं झूठी फूटी बातों पर या किसी भी तरह के टेढ़े मेढ़े शब्दों का इस्तेमाल करके या किसी भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मुझे न कभी था, ना है, ना हो पाएगा। और ना ही मैं किसी का झूठा प्रलोभन देता, ना ही झूठा क्रेडिट देता, और ना ही झूठा क्रेडिट पसंद करता मैं। तो उनके लिए अगर मैं कहना चाहूं तो रियल में ये इतने सॉफ्ट एंड सरीन हार्ट के व्यक्ति हैं कि जो इनका दिल है ना, वास्तव में देखिए, अगर कोई दिल करुणा से भरा हुआ है तो उन परमात्मा अल्लाह ताला की असीम कृपा है उस बंदे पर जिसके हृदय से एक करुणामयी शब्द और करुणा निकलती है सबके लिए। जो व्यक्ति अपने से पहले किसी दूसरे का भला सोच ले, जो व्यक्ति वास्तव में असाधारण, साधारण नहीं, असाधारण ही होता है। और हम तो खुद अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें ऐसे गजब गजब के मेंटर और गजब गजब के गुरुओं का जो एक साथ मिला, जिन्होंने हमें ये रास्ते दिखाए कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हो। ये जीवन मिला हमें, और इस जीवन में अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो ये कहीं ना कहीं हमने अभिशाप लिया है, श्राप लिया है। और इस श्राप को काटने के लिए अगर हमें मौका मिला है तो उस मौके को बहुत सुंदर तरीके से हमें समझ लेना चाहिए। और आज सर ने ये वास्तव में हमें सबको ये सिखाकर ये साबित कर दिया कि इस जिंदगी में जो, जैसे किसी के भी प्रति अगर आस्था श्रद्धा है वो कभी थोपी नहीं जाती, उसका जन्म होता है। अगर कोई भी व्यक्ति चांस के अंदर में आया है और उसको कहीं ना कहीं इसकी श्रद्धा लगी तो श्रद्धा का जन्म होता है। एक मेंटर सिर्फ उस श्रद्धा का जन्म करा सकता है, एक अच्छा लीडर ही उस श्रद्धा का जन्म करा सकता है। थोपी हुई श्रद्धा या थोपा हुआ कोई भी काम न कभी सफल हुआ था, न हो रहा है, ना होगा। तो ये जो चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, आसिफ सर का जो साथ मिलता है,
और उनके बताए हुए जो ये शब्द हैं और जिस प्रकार से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है और कर रहे हैं, ये बहुत ही अमेजिंग चीजें हैं। जिंदगी में सीखना सिखाना होता है, लेकिन वो सीखना सिखाना किस रास्ते पर काम आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये बहुत सुंदर तरीके से सर ने हमें बताया। थैंक यू सो मच सर, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना जबरदस्त तरीके से हमारा साथ देते हैं और हम पर अपना रहम बनाए रखते हैं। थैंक यू, जय हो गुरु जी आपकी, एंड आई लव यू सर, आई लव यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू मैम, सर, आपकी ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट शेयरिंग के थैंक यू सर, लिए। थैंक यू सो मच। लीडर चंदन सर, जिनकी बातों से ही वो कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है। जो इंसान नेगेटिव होगा वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मेरे अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो थैंक यू सो मच सर, अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखने, अपनी प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी नॉलेज हमको देते रहे। थैंक यू सो मच ग्रेट शेयरिंग के लिए। तो नेक्स्ट शेयरिंग हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ हैं अलीगढ़ से 7 स्टार मिस नीलम शर्मा मैम। तो प्लीज वेलकम मैम, आपका वेलकम है जूम पैनल पर, आप अपनी शेयरिंग ले सकती हैं। वेलकम नीलम मैम, अपनी शेयरिंग ले सकती हैं आप। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी। सर आपने जो टाइमिंग रखी है समय की, क्योंकि सुबह 8:30 बजे ज्वाइन हुई हूँ, जब से एक बढ़िया मीटिंग हो रही है और जो सेशन होते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग होती है, इतनी बढ़िया नॉलेज हो रही है रात की, और हम यहाँ आ पा रहे हैं टाइम। सर सबसे पहले सफी सर का थैंक यू, उसके बाद आप कोमल मैम, जो आप होस्टिंग कर रही हूँ, बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं, अच्छे से सब पूरी चीज कर रही हैं। उसके बाद मैं आसिफ सर के लिए कहना चाहूंगी। सर पहले मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहती हूँ, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने, बहुत ही बढ़िया सेशन लिया। जो इंसान ने यहाँ पे अगर TNC में संघर्ष किया है, जिसकी स्ट्रगल होता है, जिसने मेहनत की है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज दिख रही थी आपकी बातों में, आपके आंखों में दिख रही थी, क्योंकि जिसकी मेहनत है, जिसने इतना सब कुछ सहन किया है, जो भी बहुत सारी चीजें थी आपने यहाँ पे शायद बताई नहीं है, आधे घंटे में आपने पूरी चीज की है यहाँ पे, बहुत कम समय लिया, क्योंकि बहुत छोटा टाइम है, आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज रखी, सिस्टम के ऊपर बात रख करी, जो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, हमारे प्रोडक्ट कब यूज करने चाहिए, हमें तो बेसिकली यूज करने ही चाहिए, जो मैं भी यूज करती हूँ, सब चीज यहाँ पे सिस्टम के ऊपर और सफी सर के ऊपर, मतलब अपलाइन के टच में भी रहते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, सारी चीज बताई। कहीं ना कहीं वही इंसान कर सकता है जो सिस्टम से चल रहा है, वही चीज कर सकता है। तो सर की बातों में मुझे वो चीज दिखी, और थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ये है हमारी नीलम मैम, जो कि बहुत ही डायनामिक लीडर हैं और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर रही हैं, और बहुत ही तेजी से, बहुत ही अच्छे से अपना आगे बढ़ रही हैं, लाइफ में तरक्की कर रही हैं। तो वेरी गुड मैम, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच आपकी ग्रेट शेयरिंग के लिए। तो नेक्स्ट शेयरिंग हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है मिस्टर दिलशाद खान सर। तो प्लीज वेलकम मैम, माय ग्रेट डायनामिक लीडर दिलशाद खान सर, प्लीज वेलकम, आपका वेलकम है इस जूम पैनल पर, आप अपनी शेयरिंग ले सकते हैं। वेलकम सर, दिलशाद खान सर। थैंक यू, आवाज आ रही है ना जी? सर वेलकम है आप चैनल पर। थैंक यू, आवाज आ रही मैडम? थैंक जी सर बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोले, आवाज आ रही है। यू, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो बोलने को मौका दिया है, और बहरहाल अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है हमें आशीष सर के लिए, क्योंकि जो कीमती शब्द थे ना हमारे नीले मैडम ने बोल दिए, चंदन सर ने उनकी जो है तारीफ में काफी अच्छी बातें बताई हैं और हकीकी बातें बताई हैं। मैं लेकिन एक ही शब्द में जरूर कहूंगा इसमें, क्योंकि शब्द नहीं होता, बहुत बड़ा जुमला बन जाता है मेरा जो है, और वो यह कि मैं आज कुछ सोच रहा था, ये गाना सुन रहा था मैं, और उस गाने ने इतना इमोशनली कर दिया कि उसके जो गाने वाली है ना, वो इंडियन आइडल वाले जो आते हैं अक्सर जो टीवी पे या उसमें, तो वो जो है यूट्यूब पे आ रहा था, मैं मैडम देख रही थी, और उसने इमोशनली कर दिया उन जजमेंट को, जो जज जज लोग होते हैं वो, मैं भी उसको सुन रहा था, मैं भी इमोशनल हो रहा था,
लेकिन वही सेम जो चीजें मैं महसूस कर रहा था आज, जो है ग्रेटफुल जो हमारे सर ने जो है ये मीटिंग दी है, तो ये कोई पहली बार नहीं थी उनकी। लेकिन इसमें जो मैंने बात समझने आई है वो ये है खासकर कि सर ने कहा था कि खुदा ताला ने जो इंसान को नेमत दी है ना, ये नेमत उज्मा कहते हैं हमारे उर्दू में, कि ये जो जीवन है ये बार बार नहीं मिलता है, और इसी शरीर का जो उसने साधन बनाया है जीवन को जीने का, अगर किसी व्यक्ति ने अगर सही तरीके से अगर लाइफ अपनी बेहतर बनानी तो इस स्वास्थ्य को सही रखना होगा, और अगर खुदा का शुक्र अदा करना है तो उसको अपने शरीर को देखना होगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जबान नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी की आंख नहीं है, अपंग जिंदगी गुजार रहे हैं। और हम इस जो अपने साथियों में जो देखते हैं ये ट्यांशी के अंदर देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ने नेमत दी है, और ये सबसे बड़ी नेमत यह है कि सेहत याब बनाया है और सेहत का एक सिस्टम दिया जिसे ट्यांश बोलते हैं। अगर आदमी इसको अब भी नहीं समझाए, ये खुदा की नेमत है। खुदा कुरान में ये बात बयान आती है कि जब भी खुदा किसी को जलील करना चाहता है तो उसकी जो है समाज में इज्जत खत्म कर देता है और उससे नेमतें छीन लेता है, वो फिर धीरे धीरे गरीबी और मुफलिसी में चला जाता है और उस पर जिल्लत और लानत पड़ती है, लानतुल्लाह अलल काजिबीन, वो झूठों में शामिल होता है। लेकिन जब अल्लाह खुश होता है किसी बंदे से, पर भगवान जब किसी से प्रभावित होता है तो उसको नेमतों से नवाजता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है हमारी सेहत, और सबसे बड़ी नेमत सेहत को बरकरार रखने दिया ट्यांस, और ट्यांस में जो मिलने वाले हमारे अपलाइन जो ग्रेट जो पर्सनलिटियां हैं जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, तो उसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया खुदा का, उसने हमें ऐसा बेहतरीन सिस्टम दिया है, उसमें ऐसे बेहतरीन हमारे ग्रेटफुल लीडर दिए हैं, जैसे हम जहां तक अपने जानते हैं शफीक सर को दिया है हमको खुदा ताला ने, एक नेमत है हमारे लिए, हमारे आसिफ सर को दिया है, सर सर को दिया है, चंदन सर को दिया है, और कोमल मैम तो है ही हमारी ग्रेट, तो हम ऐसे जो हमारे क्रॉस लाइन हो जो डाउन लाइन है ऐसे ग्रेटफुल लोग मिले हमको, जिससे आज हमें जीवन की जो है सही मूल्यांकन पर हम काम कर पा रहे हैं, वरना जीवन जानवरों की तरह गुजार रहे थे, सर ने बोल दिया कि इसी तरीके से हम जीवन को गुजार रहे हैं, तो अब हम गुजार नहीं रहे हैं इसको, अब हम काट नहीं रहे, हम जी रहे हैं ध्यान के माध्यम से, अब जीवन को जी रहे हैं, खुदा की नेमत का आनंद ले रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, हर पल शुक्र अदा कर रहे हैं कि हाँ उसने हमें ये नहीं, इसके बदौलत समझ आई है ट्यांस के माध्यम से, ऐसे ग्रेटफुल लीडरों के माध्यम से ज्ञान आया है, वरना बड़े बड़े लोग ज्ञान ही पढ़े कोई किसी को ज्ञान नहीं देता है, तो ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें जो इस तरह के हमारे ग्रेटफुल लीडर दिए हैं। सो थैंक यू उन सभी लोगों के लिए जिस तरह हमारी मोटिवेशन और इस तरह से हमें ज्ञान देते हैं, और खुदा से दुआ है कि हमारे साथ हमारे ऊपर उनका हाथ हमेशा बरकरार रहे। सो थैंक यू मैम, आपने बोलने का मौका दिया, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, वेरी वेरी थैंक यू आपकी ग्रेट शेयरिंग के लिए, बहुत अच्छे शब्द रहे आपके, आपके बोलने का लहजा बहुत अच्छा है, अंदाज बहुत अच्छा है आपके एक्सप्लेन करने का। तो ये है हमारे मिस्टर दिलशाद खान सर, ग्रेट डायनामिक लीडर, वेरी गुड सर आपकी, थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। तो नेक्स्ट, इसी के साथ हम नेक्स्ट शेयरिंग लेते हैं। नेक्स्ट हैंड रेज है हमारा दलवीर यादव चंदौसी से। मिस्टर दलवीर सर प्लीज वेलकम, आपका जूम पैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी शेयरिंग ले सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, आप अपनी शेयरिंग ले सकते हैं। दलवीर सर, दलवीर सर वेलकम, आपका माइक ओपन है, ओपन है, वीडियो भी ओपन है, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। दलवीर जी, अगर आपका माइक अनम्यूट है, दलवीर सर क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? सर लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट हैंड रेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हैंड रेज है हमारा मिस्टर अरसलान खान सर रामपुर से, प्लीज वेलकम सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी शेयरिंग ले सकते हैं। हर्षद सर रामपुर से, वेलकम सर, वेलकम, सॉरी सर, सॉरी, वेलकम अरसद खान जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम, गुड मॉर्निंग अरसद खान जी, अरसद खान सर प्लीज वेलकम, आप अपनी शेयरिंग ले सकते हैं, आपका हैंड रेज है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है उसमें, हो सकता है सर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट हैंड रेज लेते हैं।
नेक्स्ट हैंड रेज है हमारा रामनिवास यादव संबल से। प्लीज वेलकम सर, आप अपनी शेयरिंग ले सकते हैं, आपका हैंड रेज है। रामनिवास वेलकम सर, क्या आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ये इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का मौका था और इस पैनल से जुड़े सभी लीडर्स को 36 पार्टिसिपेंट को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग, और सभी मेंटर एवं आइडियल कोच के लिए प्रणाम नमस्कार। और मैम जी, आपने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिया, दिल से आभार आपका। और बागई में आज सेशन की बात की जाए तो हमारे अलीगढ़ की शान, अलीगढ़ की मान, अलीगढ़ की जान डॉक्टर आसिफ सर ने बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया और वाकई में इस ट्यांस के बारे में वो नॉलेज दी और हमें बताया, क्योंकि परेशानियां हर किसी के साथ में आती हैं और उन्होंने अपनी जर्नी बताई। वाकई में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हम और सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि जब खुद इम्प्लीमेंट करते हैं किसी चीज़ का तो वाकई में अंदर से वो बातें निकलती हैं, अंदर से वो कॉन्फिडेंस निकल के आता है जो वाकई में नॉन इम्प्लीमेंट के बाद नहीं आ सकता, लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी चीज़ का। उन्होंने हेड केयर की, उन्होंने BCM का रिजल्ट लिया, उन्होंने प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए, तो वाकई में उनकी वो जितनी बातें हो रही थी वो कॉन्फिडेंस वाली हो रही थी और वाकई में अंदर से निकल रही थी। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर का और उन्होंने डीपली नॉलेज दी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि परेशानियां मेरे साथ भी आई थी, तो और ह्यूमन लाइफ हमको अगर मिली है तो परेशानियां आना हमारी लाइफ का एक पार्ट है और हमें इससे फेस करना हमारा काम है, क्योंकि हम इसे फेस नहीं करेंगे तो हमारा ह्यूमन लाइफ में जन्म लेना कोई हमारा रोल नहीं है, और ना ही हमारा, अगर हमें ह्यूमन लाइफ के अंदर हमारा जन्म हुआ है तो हमें लोगों की मदद करना हमारा बहुत बड़ा अहम रोल है। और दूसरी बात ये, क्योंकि अगर हम लोगों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार हमारे लिए कहता भी है कि आप लोगों पे, आप नीचे वालों पे रहम करो, मैं आप पे रहम करूंगा। तो बहुत अच्छा सेशन लगा सर का और बाकी मैं बहुत ज्यादा दिल से आभार सर के लिए। और ये एक शायरी के माध्यम से सर के लिए कहना जो लोग परेशानियों से डर जाते हैं, निडर हो जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं, तो कहना चाहूंगा, ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, चांद सूरज को भी लग जाता है एक दिन ग्रहण, चांद सूरज को भी लग जाता है एक दिन ग्रहण, देखकर वक्त की रणनीतियां हैरान ना हो, देखकर वक्त की रणनीतियां हैरान ना हो और आदमी वो जो मुसीबत में परेशान ना हो। तो वाकई बहुत अच्छा सेशन रहा और एक्सीलेंट आपकी सेवा चल रही है और आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त चल रही है, बाकी मैं दिल से आभार आपका, प्रणाम नमस्कार, थैंक यू सर। आपका बताने का अंदाज बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही आपकी, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट हैंड रेज लेते हैं। नेक्स्ट हैंड रेज है हमारा मोहम्मद नावेद सर अलीगढ़ से। प्लीज वेलकम सर, आपका वेलकम है जूम पैनल पर, आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं नावेद सर। जी जी, थैंक यू, थैंक यू मैम, वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, ग्रेट, आज गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ऑडियंस सेशन पर। गुड मॉर्निंग सर, आप तो जोश भर देते हैं पूरे पैनल पर, ऐसा लगता है कि वाकई अब हम जो है वो हम भी ऐसे ही करने वाले हैं और कर जाएंगे। तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप जो अपने बात को कहते हैं या जो भी अपने अपने इक्विपमेंट्स के जो एक्सपीरियंस लेते हैं या उसको बयान करने के लिए जो आप अपना कॉन्फिडेंस डालते हैं उसके अंदर, तो ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है आपका। और वो चीज़ मैं हर सेशन में देखता हूँ कि आपके जो बात करने के अंदाज में कॉन्फिडेंस आता है तो ये जोश भरता है हमारे यहाँ। तो बहुत ज़बरदस्त आपका सेशन रहा। और दूसरा ये कि आपके अंदर यानी जो LDP सेशन जो आप करते हैं तो बहुत चीज़ें इस तरह की आप लेकर आते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हर लीडर को ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि लीडर वो ये जो कोटेशंस भी इकट्ठे करे, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अपने कहना चाहिए लोगों के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको भी अपने साथ जो है वो शामिल करें हम, तो ये आपके अंदर मैंने चीज़ें देखी हैं और उसको हमारे सामने पेश करते हैं जिसके वजह से हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है।
दो चीजें और हालांकि चीजें तो बहुत है, लेकिन मुझे आज के सेशन में जो आपको चीज आपकी चीजें पसंद आई, एक कॉन्फिडेंस अपनी चीज को, अपनी पैती को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर, और दूसरे बात के कहने का अंदाज, तो जो आदमी को जोश में से भरपूर कर देता है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर आपका, बहुत मुबारक आपको, और थैंक यू कोमल मैम, आपने बहुत अच्छे से मुझे इनवाइट किया, और आप मैं देख पा रहा हूँ आपको कि पहली बार आप होस्टिंग कर रही हैं और बहुत अच्छे अंदाज में आपने जिम्मेदारी को निभा रही हैं, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, आपको भी मुबारक, और आपने मुझे मौका दिया, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच आ चुके हैं सद खान सर रामपुर से, तो प्लीज वेलकम सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी ग्रेट शेयरिंग ले सकते हैं। वेलकम सर अरशद सर, अरशद सर आपका हैंड रेज है, अरशद खान सर रामपुर से। थैंक यू मैम, माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा था मेरा, एक्चुअली मैं कोहोस्ट नहीं था, अब कोहोस्ट हो गया हूँ। तो थैंक यू सो मच कमल मैम, और वाकई में आज का जो सेशंस रहे बहुत ही कमाल और धमाल के रहे। आपकी होस्टिंग का तो लाजवाब मैम, कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि आप रियल में ग्रेट हो, क्योंकि मैं आपसे कई बार मिला हूँ, तो आपके अंदर जो बिजनेस को लेकर जुनून है, जोश है, वही जोश जुनून का नतीजा है कि आज आप इतने अच्छे से होस्टिंग कर पा रहे हो और अपने लेवल को आगे दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहे हो। आसिफ खान सर की बात करूँ तो जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं आसिफ सर से फर्स्ट टाइम मिला था, तो मैं सर को देख करके काफी मोटिवेट हुआ कि इस चीज को लेकर मैं मोटिवेट हुआ कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने पार्ट टाइम से इस बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद आज लोयन लीडर तक का सफर को तय किया है, तो इस दुनिया के अंदर हर वो इंसान प्रयास में सफल हो सकता है अगर वो ठान ले तो वो हर इंसान सफल हो सकता है, वो हर इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और आज का जो सेशन रहा बहुत ही एनर्जेटिक, एक इमोशंस भरा सेशन था, मतलब कहते हैं कि जब इंसान किसी भी बात को कहने में अगर इमोशनल हो जाए तो उस वो बातें उसकी जुबान से नहीं बल्कि उसके दिल से निकलती हैं, और कुछ इस तरह का ही सेशन आज रहा। और आसिफ सर, जब एक इंसान कोई भी जब बुलंदियों तक पहुंचता है, अच्छे लेवल तक पहुंचता है, जो जिस चीज को लेकर उसने बिजनेस को स्टार्ट किया था वो उस लेवल को जब पा लेता है तो रियल में वो एक इमोशन, एक खुशी के आंसू होते हैं, वो कोई गम के आंसू नहीं होते, खुशी के आंसू होते हैं, वो खुशी के आंसू आज हमें देखने को मिले आसिफ सर की वॉइस के अंदर। और कोमल मैम धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर आपकी ग्रेट शेयरिंग के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास कोई हैंड रेज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दो हैंड लेना चाहूंगी, कुछ शेयरिंग और लेना चाहूंगी, उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी, और उसके बाद हम अपने ग्रेट मेंटर सफी सर का आशीर्वाद लेके पैनल को एंड करेंगे। तो मैं नेक्स्ट हैंड लेना चाहूंगी, हमारे साथ यहाँ पर है मिस्टर असद अली सर, जो कि मेरे गुरु हैं, और उन्हीं की आशीर्वाद से मैं यहाँ पर बोल पा रही हूँ, आप सभी के सामने इस वर्क को रन कर पा रही हूँ। वो मेरे गुरु हैं, मेरे लिए बहुत कुछ हैं, तो प्लीज वेलकम सर मिस्टर असद अली सर, अपना आशीर्वाद दें हमें यहाँ और अपनी ग्रेट शेयरिंग रखें। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर असद अली सर वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? असद सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? असद सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है सर कहीं बिजी हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और हैंड रेज है, हम उनकी शेयरिंग लेना चाहेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर है राकेश कुमार सर, तो प्लीज वेलकम सर, जूम पैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी शेयरिंग आप ले सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, राकेश सर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी शेयरिंग ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल मैन जी, आपका भी आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, कितनी अच्छा समझाने का तरीका, बताने का बहुत बढ़िया रहा।
और बाकी महागुरु हैं सभी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक सर, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। थैंक यू सो मच सर आपकी ग्रेट शेयरिंग के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और हमारे बीच हमारे गुरु आ चुके हैं असद अली सर। प्लीज वेलकम सर, आपकी शेयरिंग लेना चाहेंगे हम, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग असद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है कोमल जी? जी सर आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम है आपका जूम पैनल पर। आपके आशीर्वाद के बिना मेरा काम अधूरा है, तो प्लीज आप अपना आशीर्वाद दें। और आशीर्वाद तो कोमल जी हमेशा आपके साथ है। और एक्चुअली मैं खाना खा रहा था तो मैंने कहा पहले दो निवाले पूरे कर लूं फिर बताता हूं मैं। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन था, और ये टाइम खाने का होता है थोड़ा भी बच्चों के संग, और मैंने आपको बोला और आप वाकई में ग्रेट पर्सनैलिटी हो, आप जबरदस्त फॉर्म में लग रहे हो, अच्छा ड्रेसअप पहने हुए हो, टाई पहने हुए हो, कोटी पहने हुए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और यही होना चाहिए क्योंकि जिसकी मीटिंग है वो वाकई में एक अलग लुक में होना चाहिए। बनियान में अच्छा नहीं लगता, शेड में अच्छा ही लगता, एक टाई कोट कोटी होना चाहिए। और ये शफीक सर का आदेश भी है कि एक ड्रेसअप कोड होना चाहिए, ड्रेसअप कोड हमारा मेन चीज है क्योंकि हमें भीड़ से अलग हटके दिखना है, और वो आज आप दिख रहे हो। मुझे बहुत ही खुशी है कि आपका सेशन बहुत अच्छा रहा और आप अच्छा होस्टिंग संभाल ले हो। रही बात आसिफ भाई की, वो तो एक जबरदस्त लीडर है, जबरदस्त पर्सनैलिटी है, उनकी बातों में जो जादू है वो शायद मेरे में भी नहीं है। तो हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी होती है और सब अपनी अपनी क्वालिटी के माहिर हैं। और टाइम्स एक वो कंपनी है, अगर कोई बंदा इसको समझ ले तो शायद उसकी लाइफ चेंज हो जाए। मेरी हो चुकी है, जब कहा मैंने 26 साल अपने एक दवाई की दुकान पे जॉब करते में काट दिए। अब मैं अफसोस होता है 26 साल मैंने कैसे काट दिए कहीं जॉब करने में, कहा 26 साल मैंने टाइम से में लगाए होते तो आज बहुत ऊपर होता मैं। सही कह रहा हूँ ना शफीक सर? यस सर, यस सर। मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा अपना, वो खाना खाते में ही बात कर रहा हूँ मैं। और मैंने यहाँ 2 साल दिए हैं, सन 2022 में, सॉरी 2021 में मैंने अपना डिजाइन दिया दुकान से, और आज 2023 है, आने वाला महीना नवंबर, 2 साल हो जाएंगे पूरे। 11 नवंबर को शफीक सर की फ्रेंचाइजी का उद्घाटन हुआ था, फ्रेंचाइजी का फिरोजाबाद में, वो मुझे आज भी दिन याद है। और 10 तारीख की रात को मैंने अपना रिजाइन दिया, और अगले महीने 11 तारीख को 2 साल होंगे। 2 साल पहले मेरा जो बिजनेस था वो 22,50,000 रुपए का था, और आज का मेरा बिजनेस 1,16,00,000 रुपए का है। तो 2 साल में दोस्तों आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुंच गया हूँ। अभी छुपा हुआ हूँ, निकल के आऊंगा एक दिन बहुत अच्छे तरीके से। और गुरुओं का आशीर्वाद है, आसिफ सर का, शफीक सर का, मुजाहिद सर का, और आने वाला समय ऐसा होगा कि अपना बैंक बैलेंस होगा, अपना गाड़ी होगी, अपना बंगला होगा, और चाइना में भी अपना एक विला होगा। ये सपना दिखा दिया है अजय सर ने, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपनी टीम का। तो थैंक यू कोमल जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर आपकी ग्रेट शेयरिंग के लिए। तो ये है हमारे असद अली सर, बहुत ही एक्टिव लीडर हैं, बहुत ही ग्रेट हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी सबकी शेयरिंग। तो नेक्स्ट इसी के साथ हमारे साथ एक और हैंड रेज है, संतोष कुमार सर, प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है जूम पैनल पर, आप अपनी शेयरिंग ले सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग गुरु जी। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, वेलकम वेलकम। आपके